नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SM क्रिकेट ड्रीम्स पर। दोस्तों, एशिया कप को लेकर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान एशिया कप महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया में तीन बड़े बदलाव कर सकते हैं। एक तो 124 की स्ट्राइक रेट से ठोकते हैं रन। श्रीलंका हो या बांग्लादेश या लाओ पाकिस्तान टीम, हार कर भी जीत जाना जानती है भारतीय टीम। घर खाली होंगे, रोड जाम होंगे एशिया कप में जब इंडिया और पाकिस्तान टीम आमने सामने होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। भारतीय टीम एशिया कप 2023 के सुपर फोर में पहुंच चुकी है। इस राउंड में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 10 सितंबर को खेलेगी। इससे पहले दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में एक दूसरे से भिड़ी थी, हालांकि वो मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन टीम इंडिया ने पूरी बल्लेबाजी की थी और 266 रनों पर सिमट गई थी। इस मैच में ईशान किशन को चोटिल केएल राहुल की जगह मौका मिला था। इस मौके पर भारतीय टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालते हुए किशन ने 81 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली थी। लेकिन अब राहुल फिट हो गए हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सुपर फोर के महामुकाबले में राहुल खेलेंगे या ईशान। पहले मैच में ईशान किशन ने अपनी दावेदारी को मजबूत किया है और लगातार चौथी वनडे पारी में 50 से अधिक रन बनाए हैं। ऐसे में ईशान किशन और केएल राहुल दोनों को खेलने का मौका मिल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया में ईशान किशन और केएल राहुल दोनों कैसे साथ खेल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दोनों किस नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं और कौन होगा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर। ऐसे में गिल को कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। इसकी खास वजह शुभमन गिल की फॉर्म को देखें हुए, क्योंकि शुभमन गिल ने नेपाल के खिलाफ अर्धशत की पारी खेली थी। इससे पहले लगातार वनडे फॉर्मेट में उनका फॉर्म सवालों के घेरे में रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी गिल 32 गेंदों पर महज 10 रन बना पाए थे। पिछले वेस्टइंडीज दौरे पर ईशान किशन ने गिल के साथ ओपनिंग की थी। किशन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में टीम मैनेजमेंट के लिए किशन को बाहर करने का फैसला लेना आसान नहीं होगा। लंबे समय तक उनका खराब फॉर्म रहा, फिर वेस्टइंडीज दौरे पर लगातार 3 मैचों में अर्धशतक लगाकर उन्होंने दावेदारी ठोकी। इसके परिणाम स्वरूप किशन को एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप दोनों टीम में जगह मिल गई। अब राहुल के फिट होने से एक बार फिर उनकी जगह पर खतरा बना हुआ है। देखना होगा कि कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ का अंतिम फैसला क्या होता है। ऐसे में अगर शुभमन गिल बाहर होते हैं, तो ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली। दोस्तों, आप विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर इसका यानी सूर्य कुमार आ सकते हैं, क्योंकि कप्तान रोहित पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या की एंट्री करवा सकते हैं। हालांकि सूर्या के आते ही एक खिलाड़ी की टीम से छुट्टी हो जाएगी। ये जानते हैं कौन है वो खिलाड़ी। दरअसल 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर का महामुकाबला खेला जाना है। ये महामुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि फाइनल में जाना है तो मैच जीतना ही होगा। इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए एक खिलाड़ी की टीम से छुट्टी कर सकते हैं और सूर्य कुमार यादव को मौका दे सकते हैं। जैसे ही सूर्या की एंट्री पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में होगी, तो एक खिलाड़ी का पत्ता टीम से कट जाएगा। खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, क्योंकि वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जो नंबर 4 के दावेदार है। और अगर सूर्या को प्लेइंग 11 में आना है तो अय्यर को बाहर बैठना ही होगा। श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 से बाहर करने की वाजिब वजह भी है। अय्यर ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में मैच खेला था, लेकिन वहां वो फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने गैरजिम्मेदाराना शॉट खेला और आउट होकर चलते बने। अय्यर के बल्ले से मात्र 14 रन ही निकले थे। वही चोट से वापसी करने वाले अय्यर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में इस खिलाड़ी को बार बार मौका देना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में लगता है कि सूर्या की एंट्री पाकिस्तान के खिलाफ लगभग तय है। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं। भले ही सूर्या इस टीम के खिलाफ कुछ ना कर पाए हो, लेकिन वो इस टीम के गेंदबाजों से वाकिफ है। ऐसे में उनका यही अनुभव टीम के काम आ सकता है। सूर्या पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 4 मुकाबले खेल चुके हैं। उनके बल्ले से 57 रन ही निकले हैं। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट करीब 124 का रहा है, जो ये बताता है कि मौका पाने की हकदार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है सूर्य कुमार पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5 पर केएल राहुल आ सकते हैं, जो एशिया का पहला मुकाबला खेलने के लिए केएल राहुल नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं। राहुल टीम में नंबर 5 की पोजीशन संभालेंगे। लोकेश राहुल ने इस दौरान दाएं हाथ के गेंदबाजों पर प्रैक्टिस ली है। ऐसे में केएल पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पर धावा बोल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान की गेंदबाजी से ज्यादा फैंस की निगाहें केएल राहुल की बैटिंग पर रहेगी, क्योंकि वह लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं। पिछली बार लोकेश राहुल T20 विश्व कप में सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन इस बार वह ऐसी गलती नहीं करेंगे। बता दें कि साल 2019 राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही वनडे मुकाबला खेला है, जिसमें उनके बल्ले से 57 रन निकले हैं। राहुल की इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के भी देखने को मिले थे। ऐसा कुछ इस बार देखने को मिल सकता है। साथ ही राहुल विकेट कीपर का रोल भी निभा सकते हैं और ऐसे में उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाएगी। दूसरी ओर राहुल ने एशिया कप 2023 में पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ मुकाबला नहीं खेला था और वो एनसीए में फिटनेस टेस्ट देने में लगे हुए थे। भारतीय टीम ये बदलाव हो सकते हैं। बाकी रोहित शर्मा पिछली वाली टीम के साथ जा सकते हैं। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर करें, और क्रिकेट की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।